बस मेरे को भी पैकिंग करनी है और भाई इतनी खुशी हो रही है ना, कल जा रहे हैं फाइनली वृंदावन। तो गाइस ये है कीवी, कीवी मजीतो पता नहीं क्या है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली गाइस, फाइनली कल जा रहे हैं वृंदावन, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अभी मैं फटाफट से नाश्ता वास्ता बना लेता हूँ। और हाँ, आज जाएंगे हम जोहार महोत्सव में, क्योंकि यहाँ हल्द्वानी में जोहार महोत्सव लगता है ना, ये मुंशियारी धारचूला वालों का होता है प्रोग्राम, मतलब पूरे उत्तराखंड का ही होता है। तो आज जोहार महोत्सव में जाएंगे तो वहाँ डांस वगैरह देखेंगे और कोई सिंगर वगैरह आएंगे तो उनको देखेंगे, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा मैं। तो बने रहे मेरे चैनल पे। तो जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ कुछ। सो गाइज, आज बना रहा हूँ मैं बैगन, पहली बार बना रहा हूँ, आज तो मैंने ट्राई नहीं किया है। प्याज काट दिया मैंने, फर्स्ट टाइम मेरा बैगन बनाऊंगा, अब देखता हूँ कैसा बनाता हूँ। सो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, बस मैंने ये प्याज व्याज डाल दिया है, इसमें मसाले डाल दिए हैं, अब थोड़े आलू काटे हैं और बैगन काटे हैं, इसको बस इसमें डाल दे रहा हूँ। सिंपल सा बना रहा हूँ, मतलब ऐसे बना दे रहा हूँ, अब जैसे भी बनेगी ये तो इसको अब पका दे रहा हूँ, अब पकने तक का वेट करते हैं, बस अपने पक जाएगा ये। लेकिन एक चीज़ नहीं पता मेरे को, इसमें पानी डलता है या नहीं डलता है। यार ये देखो ना यार, सब्जी ना जनरली इतनी अच्छी लग रही है ना, इतनी अच्छी बन रही है ना, पक रही है यार। पता है मम्मी जी का फोन भी नहीं लग रहा था और मैंने ऐसे ही बना दिया यार, और इतना अच्छा लग रहा है ना ये, अच्छा बनी है यार सब्जी, अच्छी लग रही है। सो गाइस, नाश्ता तैयार हो गया है, ये है मट्ठा छाछ, ये सब्जी, ये रोटी, अब खाते हैं। इतने अच्छे खाने के लिए भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलना है, तो आप हमेशा खाने से पहले ये बोला करें कि इतने अच्छे खाने के लिए थैंक यू भगवान जी, फिर आप खा सकते हैं। सो गाइस, रेडी हो गया हूँ, अब काम पे जा रहा हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों देखो, जोहार की तैयारी हो गई है, ये देखो पूरा सज चुका है। सो अभी तैयारी हो रही है वृंदावन जाने की, प्रियांशु ने पैकिंग कर लिए, कपड़े अपड़े रख रहा है, परफ्यूम डाल रहा है। अंकल जी प्रणाम। आंटी जी कल जा रहे हैं फिर हम। चलो शुभ यात्रा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अभी जाएंगे जोहार महोत्सव जा रहे हैं, तो ये तैयार हो रहा है, उसके बाद इसने बैग भी पैक कर लिया है, तो आज भी ये मेरे घर ही में रुकेगा। खाना बनाती हूँ, खाना खा के जाओ। अभी तो हम जोहार में जाएंगे आंटी। आंटी कोई दिक्कत तो नहीं है, रोज मेरे वहीं आ रहा है, इसका घर यहाँ है कि वहाँ है? वो मेले बोल रहे हैं, रोज वहाँ जा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका घर, आपके घर का कम मेरे घर का ज्यादा हो गया है। कोई बात नहीं, तेरा घर बन जाएगा, फिर वही रहेगा। हाँ और क्या, जल्दी जल्दी बन जाए, बीवी आ जाएगी, वो भगा भी देगी तो रोज क्या बुला रहे हो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा आंटी। तो उसको नहीं, ऐसा नहीं होगा, भाई को नहीं भगाएगी, भाई लेकिन बेसरम है ना, भाई वहीं रहेगा ना। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं जोहार महोत्सव, आपको दिखाते हैं, चलो। दोस्तों देखो, वृंदावन जाने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं, वृंदावन जाना है तो पैसे तो चाहिए। तो गाइस देखो, जोहार महोत्सव आ चुके हैं, तो देख सकते हैं विशाल भाई शॉपिंग करने लग गए हैं। थोड़ा पीछे आओ, पीछे रुपए का भैया दे नहीं रहे, मैं भाग रहा हूँ पहन के। शॉपिंग ही करने में प्रियांशु और मैं बहुत कपड़े ले लिए हैं, चार पांच ले लिए हैं, अब दो चार और लेने हैं, तो यहाँ से लेते हैं। क्या बात है अंकल जी। तो गाइस अभी पी रहे हैं चॉकलेट शेक, तो गाइस आ चुका है चॉकलेट शेक। तो गाइस ये है कीवी, कीवी मजी तो पता नहीं क्या है, दो लोअर ले लिए हैं और एक जैकेट ले लिया है। हेलो दोस्तों, तो कल की तैयारी है वृंदावन जाने की, मैंने तो अच्छे से पैकिंग कर लिया, चार्जर भूल गया था, बस वही लेके आ रहा हूँ अभी, विशाल भाई को करना है, तुम्हें क्या क्या रखना है अभी? बस मेरे को भी पैकिंग करनी है और भाई इतनी खुशी हो रही है ना, कल जा रहे हैं फाइनली वृंदावन, राधे राधे, क्या मजा आने वाला है, वहाँ भजन कीर्तन भी होते हैं, वहाँ भी एंजॉय करेंगे, तो मजा इतना मजा आएगा ना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है नेक्स्ट व्लॉग पे, तो आप बने रहो मेरे साथ। तो आपको लेके चलते हैं वृंदावन, बस फटाफट रूम पे जाता हूँ, पैकिंग वैकिंग करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ मैं थोड़ा सा। तो दोस्तों अभी देख रहे हैं, ट्रेन का सफर है बहुत लंबा, तो सोचा तो कुछ खाने के लिए ले लें, तो वही अभी ले रहे हैं। देखो विशाल भाई भी क्या कर, कितने लोगे?
तो दोस्तों पैकिंग वैकिंग चल रही है मेरी। ये देखो ये कुर्ता वुर्ता पता नहीं मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये वाला ले जाऊं कि व्हाइट वाला ले जाऊं, और ये थोड़ा चिप्स वगैरह ले लें। व्हाइट व्हाइट रखूं अपना? ठीक है व्हाइट वाला रखता हूँ। पहना है ना? हाँ ये पहले पहन चुका, अच्छा तो लगता है, लेकिन अब देखता हूँ कौन सा पहनूं, व्हाइट पहनूंगा कि वाला पहनूंगा। बाकी ये सब ले लिया है और बहुत ज्यादा थक गए हैं आज भी, इतना काम वाम था, तो अब जाके एडिटिंग करता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, सो हैव अ गुड नाइट। ओके बाय।